हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल में अरहान एंटरटेनर में। मैं हूँ आशीष शेख। तो आज हम लोग जिस वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे, ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 2018 में, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर नजीम ने कहा कि भाई इसका रिव्यू करो, जो कि अब एमएक्स प्लेयर पे आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ये वेब सीरीज एक बंगाली वेब सीरीज है जिसका नाम है धनबाद ब्लूज। तो मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी कर दे प्रेस, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगी। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लोगों को भी कोई ऐसी वेब सीरीज है जिसके बारे में आपको नहीं पता, या फिर आपको उसका रिव्यू देखने के बाद वो वेब सीरीज को देखना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में उस वेब सीरीज का नाम बताओ, मैं उसका रिव्यू जरूर करूंगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो बेसिकली इस वेब सीरीज की कहानी ये है कि जो हमारे इंडिया में जो पॉर्न मूवीज होती है या ब्लू फिल्में होती है, तो किस तरीके से बनती है और इसके पीछे कौन कौन लोग होते हैं, चाहे वो गैंगस्टर हो, पॉलिटिशियन हो, ये हमें इस वेब सीरीज में बताया गया और काफी एंटरटेनिंग वे में बताया गया। हालांकि ये वेब सीरीज एक एडल्ट कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, यानी कि इसमें जितने भी डायलॉग्स है काफी एडल्ट है और ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है। इसमें हमें तकरीबन 9 एपिसोड देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड के लिए लगभग 24 मिनट से लेकर 19 मिनट के बीच ही है। और इसमें जितने भी कलाकार है सारे बंगाली कलाकार है, और जैसे कि मैंने आपको बोला ये बंगाली वेब सीरीज है, लेकिन ये आपको एमएक्स प्लेयर पे हिंदी में मिल जाएगी। इन शॉर्ट में अगर कहानी बताओ, कहानी शुरू होती है ऑब्वियसली कलकत्ता से। कलकत्ता में मृणाल सेन नाम का एक डायरेक्टर है जो कि काफी परेशान है, क्योंकि अभी उसके पास कुछ भी ऐसी फिल्में नहीं जिसको वो डायरेक्ट कर सके। वो इतना ज्यादा परेशान है कि उसने अपने घर को भी गिरवी रख दिया और उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स भी हो चुका है। तो वो सोच रहा है कि कोई एक ऐसी फिल्म मिल जाए जिसे वो डायरेक्ट करके अपना कम से कम घर का गुजारा ही चला ले। और उसकी एक असिस्टेंट है जिसका नाम होता है रिधिमा। तो मृणाल सेन और रिधिमा हमेशा सोचते हैं कि कुछ ना कुछ फिल्में मिल जाए। तो इसी बीच उसको एक फिल्म मिलती है जिसके बारे में उसको पता ही नहीं होता कि फिल्म की कहानी कौन सी है, एक्चुअली इसमें स्टार्स कौन है, प्रोड्यूसर को ने कुछ भी नहीं मालूम था। सिर्फ उसको इतना पता रहता है कि उसको एक फिल्म बनानी है, उसके लिए उसके झाड़िया एक गांव है वहां जाना है, और उस फिल्म के लिए उसको 12 लाख रुपए मिलते हैं। तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी असिस्टेंट को लेके झाड़िया गांव पहुंच जाता है, और झाड़िया गांव पहुंचने के बाद उसको पता चलता है कि उसे जो फिल्म बनानी है वो कोई नॉर्मल कमर्शियल फिल्म या कोई फिल्म फेस्टिवल के लिए बनाने वाली फिल्म नहीं है, बल्कि वो एक ब्लू फिल्म है। फिर उसके बाद क्या वो उस फिल्म को बनाता है, और अगर बनाता है तो क्या कुछ प्रॉब्लम उसे फेस करना पड़ता है, बेसिकली यही कहानी है। तो बेसिकली वो बनाता है या नहीं है वो तो आप इस वेब सीरीज में ही देख पाओगे, लेकिन मैं आपको बताता कि वेब सीरीज में मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा। तो सीधे शब्दों में बता तो जो कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से बनाना चाहिए था बिल्कुल उसी तरीके से बताया गया। इसमें ज्यादा एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलेंगे, लगभग 2-3 एडल्ट सीन है, उसके अलावा जितने भी डायलॉग्स है वो काफी एडल्ट है, और बच्चे ये सब वेब सीरीज ना देखे तो ही अच्छा है। और हाँ, ये फैमिली के साथ बैठ कर देखने वाली वेब सीरीज भी नहीं है। इसके अलावा अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस में मुझे राजत्व दत्ता का जो परफॉर्मेंस एज मृणाल सेन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और जितने भी कलाकार है ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है। और ये वेब सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है मुझे हटके अलग लगा, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री के बारे में पता चलेंगे जो पॉर्न फिल्में किस तरीके से बनती है और उसके पीछे कौन कौन होता है, ये सब कुछ जानने को मिला इस वेब सीरीज के थ्रू। अब वो कितना सच है कितना झूठ है वो तो मैं नहीं जानता, तो मैं तो ये वेब सीरीज देखकर एंटरटेन हुआ, कहीं पे भी मुझे बोर हुआ नहीं। फर्स्ट से लेकर 90 एपिसोड तक कहां टाइम चला गया पता ही नहीं चला। और इतना बता दूं कि ये वेब सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, इसका सीजन 2 जरूर आएगा, क्योंकि जहां पर ये वेब सीरीज खत्म होती है ऐसे बहुत से सवाल है जो अभी सीजन 2 में मिलेंगे। तो वो क्या कुछ सवाल है ये सब जानने के लिए अभी ये वेब सीरीज जरूर देखना। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। अगर आपकी नजर में भी कोई ऐसी वेब सीरीज है जिसका रिव्यू आपको जानना है तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाना। बाय।